नमस्ते। राणे सभा में ज्वाइन होंगे तो आज के जो मीटिंग में पर्टिकुलरली दो इश्यू पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है कि जो आज का जो सब्जेक्ट है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिस बेयरर्स है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स है वो उनके पास डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, वो जो मीडिया से या व्हाट्सएप पे ऐसे जो मिलते हैं उसी सर से वो इंटरप्रिटेशन करके आ रहे हैं और उसको वो इंटरप्रेट करके उसके हिसाब से वो उसका अर्थ निकाल रहे हैं, उसके सोसाइटी के मेंबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब ने ये प्रशासन ने जो हमारे एक सोसाइटी के ऑफिस बेटर पे जो इंजाम लगाया है ये कितना बराबर है या नहीं है, इसके लिए ये चर्चा करने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग लाई। और आप सब सोसाइटी के एक्टिव ऑफिस बेरर्स है पुणे के, मुंबई के या और महाराष्ट्र के, तो उनकी राय क्या है, हम लोग आपसे ज्यादा फीडबैक पूछना चाहते हैं, आपकी उसमें राय क्या है। तो लोगों को भी हम लोग पूछेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में, उनकी रिएक्शन क्या है, क्योंकि वो जो दोनों जो है वो एक्चुअली मुझे एक बात इधर स्पष्ट करनी है कि दोनों फ्लैट के किराए के बारे में थे कि सोसाइटी के जो फ्लैट्स रहते हैं और वो जब मेंबर उधर रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं रहते, लेकिन जब वो फ्लैट रेंट पे देना होता है या किराएदार रहता है या एजेंट उधर बार बार आता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते हैं और वो थोड़ा इनडिफरेंस उसमें रहता है। और कि सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी अपने उधर के जो लोग हैं अपने जो मेंबर्स हैं उसका प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए वो रूल बना दे ले। और ये गवर्नमेंट की प्रशासन से एक बार रूल आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से अलग और लोकल गवर्नमेंट से अलग, और उनका इंटरप्रिटेशन तो वो थोड़ा मुश्किल है। और उसके लिए हमारे जो वार्ड ऑफिसर है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते, दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो उसमें सोसाइटी के लोगों का अभी क्या राय है ये हम लोग जानना चाहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस कि अभी जो सोसाइटी के पदाधिकारी आपके जो चेयरमैन सेक्रेटरी या कमेटी मेंबर आपकी सोसाइटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए जो इंटरनल रूल बनाते हैं वो गवर्नमेंट से जो इंस्ट्रक्शन आता है वो फॉलो करके तो उसमें आपके प्रोटेक्ट के लिए आपके इंटरेस्ट के लिए बनना चाहिए। और उसके अगेंस्ट अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो पुलिस कंप्लेंट करता है तो उसके बारे में आपकी राय क्या है। हाँ तो सुनील जी होंगे तो केसी गर्ग साहब आप जरा शॉर्ट में पहले ये इंसिडेंट का हिस्ट्री बताइए, बाद में वो सुनील जी को ले लेंगे। केसी गर्ग वो जो पिंपरी चिंचवड हाउसिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी है। गर्ग साहब आप जरा। आज हम लोगों को जो है वस्तुस्थिति जानने के लिए स्वास्थ्य पटवर्धन सर और मैं दोनों हम रोहन इलाज सोसाइटी में गए थे और वहां पर श्री सुनील सितारे सर और उनकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को मिलकर के आए हैं। वहां पर हमने उन सब लोगों से डिटेल में बात की है और उनके सभी हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत अच्छी तरीके से किए हैं और उन सभी के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर का रेफरेंस दे करके उन्होंने एसओपी गाइडलाइन बनाई गई है। ये जिस दिन की ये घटना की बात की गई है कि एक फैमिली जो है वहां पर टेनेंट फैमिली आई थी जिनके ओनर जो है यूएस में रहते हैं और उन्होंने एक किसी एजेंट को या किसी और सदस्य को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। तो ये लोग गेट के ऊपर आए और जिस समय पर भी आए हैं उस समय पर ये लोग आराम से गेट के ऊपर नॉर्मल जो है एंट्री के बाद में अपने फ्लैट में जा पाए और जो सामान था इनका मूवर्स और पैकर की मदद से जो सामान था इनका वो भी 2 घंटे के अंदर खाली करके फ्लैट के अंदर जा चुका था। मैनेजमेंट कमेटी ने सिर्फ उनसे बोला कि आप लोग क्योंकि दूर से आए हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए। तो उन्होंने जब मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था तो मैनेजमेंट कमेटी ने काफी लीनियंट व्यू रखते हुए उनसे ये सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला गया। जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास है उसमें भी कुछ क्वेश्चन है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक ही मेंबर का सभी का साइन है और वो लोग शायद मोहम्मद वड़ी से आए और किसी डॉक्टर ने ओल्ड सांगवी के डॉक्टर ने साइन किया उसको जब तक वो तो डेस्टिनेशन से बीच में ही आता है ओल्ड सांगवी। तो ये हमें पूरा आज उनके साथ डिटेल में विचार विमर्श करके ये समझ में आया कि जो भी उनकी एसओपी बनी हुई थी पहले से और जो उन्होंने गेट की प्रोसीजर है वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से इम्प्लीमेंट की हैं और उसके अंदर कहीं कोई कोताही या कोई भी ऐसा हमें नहीं लगा कि कहीं पर भी एक इंच भी उन्होंने कोई गलती की हो। किसी को गेट पे बहुत 4 घंटे 6 घंटे जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, ऐसा कोई प्रमाण हमें वहां पर नहीं मिला है। हमें शायद ये और डिटेल में जाने पर पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद कहीं तो कुछ जल्दबाजी में कुछ एक्शन लिया है, जिसके कारण सभी सोसाइटी के अंदर जो है एक डर की भावना पैदा हो गई है। क्योंकि जब ये जनता लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद से हम लोगों ने सोसाइटी के जितने भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या एमसी मेंबर्स हैं, उन्होंने जी जान से सरकार का साथ दिया। जबकि सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर आते गए, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर आते गए, स्टेट गवर्नमेंट में भी पुलिस के ऑर्डर आते गए, कमिश्नर जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनके ऑर्डर आते गए, डिप्टी कलेक्टर के ऑर्डर आते गए और लोकल पुलिस के भी ऑर्डर आते गए, इतने सारे। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी ऑर्डर देने चालू कर दिए। तो हम लोगों का सुबह से शाम तक यही काम था कि ये सारे ऑर्डर पढ़ें, उनको कैसे समझ करके लें और उनके बेस के ऊपर अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। अभी हम लोगों ने लगभग 2-2.5 महीने जो है ये सभी जो भी सरकार चाहती थी उसके अनुसार सब काम किया और हमने एक डिसिप्लिन हम लेकर के आए, जिसके कारण कि जो आज स्थिति हाउसिंग सोसाइटी के कारण है महाराष्ट्र में, वो बहुत हद तक नियंत्रण के अंदर है। और हम लोगों ने एक जैसे गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बोल करके ही और उसके अंदर सभी सोसाइटी की मैनेजिंग चंद लगाए हैं, सभी चीजों का अंदर ही बंदोबस्त किया ताकि लोग बाहर ना जा पाए, चाहे उसके अंदर उनको रसोई की बात हो। ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर ही उन्होंने प्रदान किया, किसी को जाना ना पड़े। आज जबकि सरकार ने क्योंकि इकोनॉमी के कारण जो है लॉकडाउन को अनलॉकडाउन करने की कोशिश की है, इसको जिस ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो ना करके अंडू प्रेशर जो है मेरे ऊपर लाया जा रहा है। आप इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अगर हम सोसाइटी गेट पे कोई 10 मिनट भी रोकेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो जाके कंप्लेंट करेगा कहीं तो, और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये जो एक डर का माहौल पैदा हुआ है, ये एक विचित्र स्थिति है। अब इसमें हम सरकार का साथ दें या ना दें ये तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने अपना दबाव बढ़ा दिया है और हमें वो फॉलो करना है। जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे मेंबर के मन के अंदर ये डर बैठ गया है कि ये कोरोना हमारी सोसाइटी में तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी हम ये भी नहीं पूछ सकते किसी से वो कंटेनमेंट जोन से आ रहा है या उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये सब चीजों के ऊपर इतनी दुविधाजनक स्थिति हो गई है कि मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो और ये जो अभी रोहन में एफआईआर हुई है, उसकी डिटेल में जाकर के तो हमें लगा कि ये एक अंडर प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारे ऊपर और हमें इस प्रेशर से बाहर आकर के कोरोना को फैलने से रोकना है, अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित करना है, अपने जो शहर है, जिला है, स्टेट है, जहां पर कि इसके केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, हमने उसको रोकना ही रोकना है। वो रोकने हमें जो भी कदम उठाने चाहिए वो हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे और उसके लिए सोसाइटी को संगठित होकर के एक मन से तो जैसे आज सीताराम राणे साहब भी हैं, पटवर्धन सर हैं और बाकी एमिनेंट स्पीकर हैं, उन सब की मदद से एक मत होकर के आज हमें निर्णय करके ही इस वेबिनार से उठना चाहिए। थैंक यू सर साहब। अगर शिवतारे साहब हमारे साथ है तो राहुल जी मुझे जरा जोड़ लीजिए। शिवतारे जो सेक्रेटरी है, शिवतारे साहब आप अपना बात कर सकते हैं। मैं सुनील शिवतारे, रोहन नीलेवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो सेक्रेटरी हूँ, जो मतलब अभी जो एफआईआर फाइल हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि बिकॉज आई वॉज नॉट टोल्ड to explain my side, so I am trying to explain my side and our society's side. The thing कि मीडिया में जो बोला जा रहा है कि हमने टेनेंट को वहाँ पे रोका, गेट पे एंड 4-6 घंटा जो भी 6 घंटा जो मीडिया में अलग अलग आते हैं कि हमने उनको रोका. देयर वाज सम प्रेग्नेंट लेडी हु वाज टोल्ड टू वेट आउटसाइड एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर बाद में उन्होंने किया है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. हमने एक सोसाइटी की नोटिस जारी की थी, उसमें हम लोग ने गर्ग साहब ने भी देखी एंड ही सेड दैट दे आर ऑल करेक्ट एज पर द 21 तारीख का जो हमारे कलेक्टर का जो ऑर्डर था उसके मुताबिक एक क्लॉज था उसमें जिसमें क्लियरली लिखा था कि वार्ड टू वार्ड आते हैं. पीएमसी से भी हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो भी लोग बाहर से आते हैं या जो दूसरे वार्ड से आते हैं या जो कंटेमिनेटेड जोन है ही नहीं है वो चेक करना चाहिए. तो आते समय उनका एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको COVID-19 पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं, एक जस्ट फिट कि ही इज फिट, ही डजंट हैव एनी सिम्टम्स. ये इसका मैंने सर्टिफिकेट हम देते हैं जो 21 मई का. इसके बाद में मेरे पे जो एफआईआर फाइल किया गया है वो 10 जून का है. 10 जून के ऑर्डर्स में किधर भी मेंशन नहीं गया कि अभी आप सर्टिफिकेट मत लो. उसके बाद में कुछ रेजुलेशन है. फर्स्ट थिंग, रेजुलेशन हमारे पास आते ही नहीं है. वो कहाँ से आवाज से ढूंढते हैं. कुछ सोशल वर्कर्स है, कुछ प्रेस वाले लोग हैं, उनसे हमको वो मिलते हैं. वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर ऑर्डर्स. सो टिल दैट ऑर्डर्स आर रिसीव्ड हम लोग जो ऑर्डर्स हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. 2-2 दिन में चेंज होते हैं तो हमारे पास आते नहीं है. हमारा फर्स्ट कंप्लेंट है कि हमें जो ऑर्डर्स है वो हमारे को एक्नॉलेजमेंट के साथ अगर मिलता है तो हम इमीडिएट करते हैं. सोसाइटी ने जो टेनेंट है उनको गेट पास दिया हुआ था. उसके बाद में उन्होंने एंट्री किया, अंदर करने के बाद अनलोडिंग चालू हुआ था. अनलोडिंग चालू होने के बाद में जो भी प्रोसीजर है वो सब फॉलो करके कि हम लोग ने लिखा था कि टेनेंट और ओनर शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग की उन्होंने ध्यान रखना है ये लोगों का. ये अनलोडिंग बफर कर रहे हैं, दे आर मेरिंग मास्क. वहाँ के जो लोग जो काम कर रहे थे पैकर्स और मोर्स के, उनके पास मास्क प्रॉपर पहने नहीं थे. किसी का रुमाल ऐसा यहाँ वहाँ पे लटका था और किसी ने बहुत सारे ने मास्क नहीं पहने थे. उसके बाद में जब वो लिफ्ट से चढ़ जा रहे थे वहाँ पे स्पिटिंग कर रहे थे. कुछ लोग कॉफिंग का सिम्टम्स मुझे दिखाई दिया जब मैं राउंड पे गया. तो मैंने सोसाइटी ऑफिस में जाके पूछताछ की कि ये हम लोग ने इनके सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए हुए हैं. उसमें जो है उसमें मेडिकल फिटनेस का है क्या, क्योंकि वो सिम्टम्स मुझे दिखाई दिए उससे मुझे ऐसा लगा कि फिटनेस चेक करना जरूरी है. जो तो हमारे नोट के मुताबिक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने नहीं फुलफिल की थी. फिर भी वी हैव अलाउड देम एंड देन वी टोल्ड देम कि बाबा आप गाड़ी बीच में लगाओ मत, आप साइड में रखो, बाहर लेके जाओ एंड आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आइए. और टेनेंट या ओनर भी आते हैं, उनको हम फिटनेस सर्टिफिकेट सजेस्ट करते हैं कि आप लेके आओ एंड वी हैव नॉट फोर्स देम टू कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आओ मत. ऐसे हमने कुछ भी किसी को ही बोला नहीं था. हम ये है. उसके बाद में देवर उन्होंने वो सर्टिफिकेट्स लाए सांगवी से सर्टिफिकेट लाने का. मोहम्मदवाड़ी से लाना चाहिए था लेकिन दे वर स्टेइंग इन मोहम्मदवाड़ी एंड मोहम्मदवाड़ी से लाना चाहिए था लेकिन उन्होंने साउंड में जाके माकम हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट्स लाए. वो सर्टिफिकेट्स देखने के बाद मुझे सस्पिशियस लगे. उसमें जो पेशेंट्स के सिग्नेचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी लग रहे थे. तो मैंने उनसे बात की कि the owner the tenant was with me only. मैंने उनको बोला सर ये डॉक्टर का नंबर मुझे चाहिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ. तो मैंने जब उनको वो बोले कि मेरे पास डॉक्टर का मोबाइल नंबर नहीं है तो वो लेटर हेड पे जो है वो लेटर हेड के फोन पे आप फोन करो. तो मैंने मेरे मोबाइल से उनको फोन किया. उनको फोन करने के बाद में वो रिसेप्शनिस्ट ने बोले कि मैंने बोला कि 10 एक मेडिकल सर्टिफिकेट्स फिटनेस सर्टिफिकेट्स मेरे पास आए हैं और वो आपने इशू किए हैं सर, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए. वो लेडी बोली कि ऐसा कोई फिटनेस सर्टिफिकेट हमने यहाँ से अभी तक दिए नहीं है. फिर मैंने वो टेनेंट को बोला कि सर आपने हॉस्पिटल के कहते हैं कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट ये नहीं है, ये हॉस्पिटल से इशू नहीं किए. नहीं, वो डॉक्टर ने किए. मैंने रिसेप्शन को बोला कि भाई डॉक्टर से बात करवाओ। मैंने वो दूसरे कोई डॉक्टर थे और वो टाइम में इतना पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा इश्यू होने वाला है। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताया कि मैंने भी ऐसा कुछ इशू किया नहीं है, ये मैंने सर्टिफिकेट इशू किया नहीं है। ऐसा करने के बाद में मैंने भी वो बोला नहीं सर वो दूसरे डॉक्टर थे। भाई साहब एक काम कीजिए, आप वो डॉक्टर जिसने आपको चेक किया उसके पास जाइए और वहां से मेरे को खाली कॉल कीजिए, बस मेरे को कंफर्मेशन करना है कि ये किसी मतलब ये दिया है। और उसमें जो सर्टिफिकेट में जो सस्पिशियस थिंग क्या था कि कोविड-19 स्कैनिंग बीइंग डन, ओके, कोविड-19 स्कैनिंग बीइंग डन एंड दिस कोविड-19 स्कैनिंग बीइंग डन एंड दिस पीपल आर अलाउड टू ट्रैवल फ्रॉम मोहम्मदवाड़ी। सो सांगवी का डॉक्टर बोलता है कि मोहम्मदवाड़ी से आप इधर ट्रैवल करो। ये ऐसा सर्टिफिकेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने अभी तक बहुत से टेनेंट को अलाउ किया है, मेंबर्स को अलाउ किया है, सबने यही कहा है कि उन्होंने जिस एक एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई भी रेगुलर डॉक्टर है वो देखता है कि उसको खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है एंड ही हैज नो हैव एनी सिम्टम्स एंड ऑफ सिकनेस। तो वो हिसाब से हमने वो हमारा जो एक्सपेक्टेशन वो था, लेकिन इन्होंने जो तो सर्टिफिकेट आया उसमें मुझे बहुत सस्पिशियस लगा। एंड तो वो टेनेंट बोला कि मैं जाके वहां से फोन करता हूँ, फिर मैं मेरे काम पे लग गया। बाद में उसका फोन आया नहीं, मुझे लगा सिक्योरिटी से बात हुई होगी। तो फिर दूसरे दिन सवेरे मैंने सिक्योरिटी से पूछा कि तेरे से बात हुई क्या डॉक्टर से, डॉक्टर ने कंफर्म किया क्या? तो बोला नहीं मेरे पास तो उसने आया ही नहीं और फोन भी नहीं आया। दूसरे दिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने, उसका फोन नंबर नहीं था तो उसके घर पे जाके बेल बजा के उसको पूछा कि बाबा वो आप कल गए नहीं क्या, वो सर मांग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं वो मैं अभी लेके देता हूँ और ही हैज गिवन द नंबर। अनफॉर्चुनेटली बाद में मैं भी दूसरे हमारे सोसाइटी के काम में मेरे खुद के कुछ काम के वजह से मैंने वो नंबर अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया है। लेकिन the way this everything is, that was suspicious. So does the society secretary doesn't have an authority to check the authentication of some documents? First thing. So I was amazed with this thing, and मैंने ऐसा कुछ गलतियाँ, वो जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है या कौन उसके साथ में है उसका हमें कुछ पता नहीं था। प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे गेट पे तो कोई दिखाई नहीं दी थी और हमारे मुताबिक जो भी गाड़ी उनकी अंदर गई उसकी फुटेज भी मेरे पास है 345 को एंड सब रजिस्ट्रार का जो भी ये है स्टेटमेंट है, जवाब है, वो जवाब में उसने ऑलरेडी कहा है कि मैं 315 को आया, 345 को मैंने वो मुझे गेट पास मेरे पास था, मैंने एंट्री की एंड दैट टाइमिंग इज मैचिंग विद द फुटेज, सीसीटीवी फुटेज की उनकी दो गाड़ी एंड खुद की कार ये अंदर चली गई। और जो स्टेटमेंट उसने दिया उससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसने कुछ ने एग्री किया है ये चीज को। एंड ये सब एपिसोड होने के बाद में जो भी आप देख रहे हैं मीडिया में और ये, तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू कवर हिज फॉल्ट। आई डोंट थिंक व्हाट इज द रीजन ही हैज गिवन इट टू द टाइम्स ऑफ इंडिया कि मैंने ऐसे कुछ अत्याचार किया। किसी के कोई अभी तक ये सोसाइटी में सब अच्छे काम होते आए हैं। सोसाइटी हैज ऑलवेज फॉलोड द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ये जो एफआईआर फाइल किया है उसके बारे में मुझे कोई बोलने का चांस ही नहीं दिया, सब वन साइडेड लगा मुझे। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मीडिया में भी जो भी चल रहा है इज ऑल रॉन्ग। ठीक है, धन्यवाद, आपने जो काम किया वो अच्छा काम किया है, लेकिन अभी ये सोसाइटी का मेडिकल सर्टिफिकेट उसका सस्पिशियस लगना और इसमें, लेकिन अच्छा उन्होंने गेट पर दिया था और आएगा तो अभी वो डिटेल की बात है। लेकिन आपने इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया था इन गुड फेथ एंड ये सब मैंने उनके प्रोटेक्ट के लिए किया कि भाई ये जो आने वाले है मोहम्मदवाड़ी एरिया में बहुत सारे लोगों ने कंटेमिनेटेड जोन से आए हैं, ये मोहम्मदवाड़ी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हड़पसर और जो वर्कर्स आए थे वो उंदरी से आए हुए, कोई इधर से आए। कब पता चला? मेडिकल सर्टिफिकेट पे पता चला कि ये लोग यहाँ से आए, अदरवाइज वी आर नॉट नोइंग फ्रॉम द वेयर द वर्कर्स। तो जो वर्कर्स आने वाले हैं वो कंटेमिनेटेड जोन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। And if one of the person comes to spoil one of the building, maybe you know, and when the society is sealed, okay. अगर हमने, दूसरी बात यह है कि हम सैंडविच हो गए दोनों के बीच में। अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट न लेते हुए हम भेजते हैं, कंटेमिनेटेड जोन में से आया नहीं आया हम उसको भेजते हैं, और अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है हमारे सोसाइटी में, देन द गवर्नमेंट विल ब्लेम दैट वी हैव द निग्लिजेंस। हमारे निग्लिजेंस के ऊपर हमको हम पे एक्शन होगा। तो हम दोनों तरफ से प्रॉब्लम में है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये सब होने के बाद आपको मैनेजिंग कमेटी और इसमें सब आपकी मीटिंग हो गई उसके बाद में? यस, सी आई कैन टेल यू कि जब से ये हुआ है, ऑल द 100% मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैज सपोर्टेड मी एंड सेड सुनील सर आपने कुछ गलत काम किया नहीं, व्हाट एवर यू हैव डन इज परफेक्ट। And managing committee is also with me because all the decisions were taken with the meeting and all the notices displayed not by individual Minister Sunil Shivtare but it was with the managing committee। जो member है, common members है, उनकी क्या राय है इसके बारे में? सबकी राय यही है कि सर आपने सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए जो भी किया है वो सही किया है, और आपने जो लोग आए हैं उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है, उनसे कोई जबरदस्ती की भी नहीं है, और आपने कोई सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी के लोगों के हित में है। और आज लॉकडाउन पीरियड में जो आपने काम किया है, प्रबोधन साहब ने भी सुनाया कि लॉकडाउन पीरियड में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, एप्रिसिएशन भी बहुत लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी किया, और हमारे की हम लोग सिस्टम से काम किए विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड हमारे सोसाइटी का नाम बहुत ही अच्छा है सब जगह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली से कुछ वजह से सोसाइटी को बदनाम किया जा रहा है। हमें क्या है, हमारे पास टाइम का बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए आपने जो बताया, इसलिए मैं अभी बाकी अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी राय सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सब लोगों ने आपका स्टेटमेंट सुना है, पेपर में पढ़ा है, तो बाकी लोगों से जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनके जरा राय। राहुल जी आपने लिया, 2-3 मेंबर का लिया, तो अच्छा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गौतम इडानी जी, आप अपनी राय दीजिए इस मामले में। मैं एक ही मिनट, एक 60 सेकंड लेता हूँ प्लीज। जब अभी सुनील सर बात कर रहे थे उनका ये भार आया था, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो कितने पेन में से गुजर रहे हैं। और ये ऐसे व्यक्ति, जब हम इनकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को मिले कि किसी की सोसाइटी में डेथ हो गई थी, कोई आने के लिए तैयार नहीं था, ये अकेले आए और उन्होंने सब पर्सनली हैंडल किया। ऐसे ही कोई एक और प्रेग्नेंट लेडी का था, उन्होंने उनके मेडिकल के लिए जो भी हेल्प हो सकती थी इन्होंने अपने आप वो भी हेल्प करके दी। तो सभी लोगों ने इनके हेल्पिंग नेचर के बारे में और सबको एडिशनल सपोर्ट करने का इनके बारे में हमें इनकी सोसाइटी में जाकर के पता चला, और हमें अनुभव भी हुआ कि गेट एंट्री से लेके सब सिस्टम हमें तो काफी व्यवस्थित लगे, और इनको सभी लोगों का साथ भी है। ये इंसिडेंट जो बहुत दुखी है, यही मेरा बोलना है कि हमें इनको सपोर्ट देना चाहिए। घर साहब हमने उधर जाके वो विजिट किया, हमें तो मालूम है, लेकिन हम लोग बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है पूना डिस्ट्रिक्ट के बाहर आगे। हाँ जी गौतम जी, गौतम हिडानी जी आप अपनी राय दे सकते हैं। मैंने आपका हैंड लोअर करे। आरती अग्रवाल गुप्ता जी को विनती करता हूं कि अगर वो अपनी राय दे सकती है। Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, see what happened is, ये जो सुनील जी का केस हुआ है ना, अब this has become an example in our society कि secretary has become non-functional। वो बोल रहा है कि वहाँ पे अरेस्ट करवा दिया सेक्रेटरी को, तो अब मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करूंगा, बाहर में जाए सोसाइटी, बाहर में जाए कोविड का केस। So there is no screening, nothing. Managing committee में half of the members have resigned. So there is no quorum, no elections up to 30th September, and we stay in a containment zone. Andheri West, Versova, 7 bungalows, Geetanjali's Cooperative Housing Society. So now you please tell me what should be done. और ये केस के बाद सेक्रेटरी ने भी हाथ खड़े कर दिए, जो इनका अरेस्ट का केस हुआ है पुणे का। वो जो सोसाइटी में 1-2 लॉयर्स है वो उनको डराते रहते कि जैसा वो अरेस्ट हुआ तू भी अरेस्ट हो जाएगा अगर किसी को भी रोका तो। ठीक है मैडम, हम लोग आपके सुनेंगे। श्रीकांत पुजारी जी आप बात कर सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअली अभी जो सुनील सर के साथ जो हुआ है बहुत ही मीन्स अपने सोसाइटी मेंबर और सोसाइटी जो पदाधिकारी है उनके लिए बहुत ही एक ऐसी बात है कि अपने को सब उनके पीछे अपने को खड़ा रहना चाहिए, और जो भी सोसाइटी मेंबर्स और जो सेक्रेटरी के जो टीम है अपनी, उनके साथ खड़े रह के अपने उनको सपोर्ट देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, खुद के लिए नहीं किया, उन्होंने सोसाइटी के मेंबर लोगों के लिए किया है। बेसिकली दे डन द गुड जॉब एंड फॉर दैट वी ऑल हैव टू सपोर्ट देम। नहीं, करेक्ट करेक्ट, आपने बोला वो सही है, इसलिए हमने ये मीटिंग अर्जेंटली बुलाई थी। और उसके लिए हम लोग पूना हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के सब फेडरेशन उनके साथ है। हम लोग अप्रोप्रिएट लेवल पे, कल ही हमारी महाराष्ट्र फेडरेशन की मीटिंग हुई थी और वो ये सब दोनों इशू जो मुंबई के डॉक्टर पारकर का इशू है और पुणे का जो इशू है वो हम लोग अप्रोप्रिएट लेवल पे, यानी कि चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, अपने गार्डियन मिनिस्टर, पुणे के डिप्टी मिनिस्टर जो है अपने पवार साहब, उनके पास लेने वाले है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेने वाले है। इसलिए हम लोग बाकी सोसाइटी के भी राय सुनना चाहते हैं। Next. Correct, correct. Yes, Mr. Gomes, I request you to put up your viewpoint. Okay. Mr. Gautam Idani, are you there? जो आपने पटवर्धन साहब ने अभी बोला कि हायर अथॉरिटीज से जो will take up the matter with the guardian minister and पवार साहब से भी we support and 18,000 societies of Pune will support Patwardhan unanimously for this measure that they should take it up forcefully and have the FIR withdrawn immediately. एक तो वो दूसरा कि जो न्यूयॉर्क का जो वो जो लैंडलॉर्ड जो है ये केस में वो न्यूयॉर्क में रहता है, उसका क्या राय है इसके बारे में जिसने ये टेनेंट अंदर लाए हैं। तीसरा कि ये जो एक्शन एफआईआर फटाफट पुलिस ने दर्ज कर दिया, जब आधा टाइम तो पुलिस कभी एफआईआर फाइल भी नहीं करती है। ये किस बेसिस पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर फाइल कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एट ऑल। थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ, एक्चुअली पुलिस ने ये एफआईआर नहीं दाखिल की है। इसमें क्या हुआ है, ये पेपर में न्यूज आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले न्यूज आया था, बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जो तहसीलदार है उस मैडम ने डिप्टी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करो और बाद में एफआईआर करो। तो हमारी राय यही थी कि जो एक्चुअली ये सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी हमारा डिप्टी रजिस्ट्रार अच्छी तरह जानता है कि सोसाइटी के ऑफिस बेरर उसमें एक्सपर्ट नहीं रहते, तो हमें आशा थी कि सोसाइटी के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो उधर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनसे काउंसिलिंग करेंगे, क्यों अगर उनका कुछ गलती होगा तो उनको वार्निंग करेंगे। डायरेक्ट एफआईआर करने का वो बहुत गलत बात है, इसलिए हम लोग उसका निश्चित करते हैं। वही ये जो वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया है, कलेक्टर की तरफ से प्रेशर आके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने काम किया और उसने इमीडिएटली उसको वार्निंग देने के, चौपाट मिट्टी देने के, उनके लेटर देके उनके रिप्लाई मांगने का, ये बिना करते हुए डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च किया है, वो हमें बहुत गलत लगता है। ओके, मिस्टर डेविड वाज, मैं जरा बोल सकता हूँ इसके बारे में? हाँ प्लीज। आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ कि पटवर्धन साहब और एवरीवन एल्स, मीडिया पे और टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर ये काफी दिनों से चल रहा है, पिछले 3-4 हफ्तों से चल रहा है कि एक तरफा ओपिनियन दिया जा रहा है अगेंस्ट द कमिटी मेंबर्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज। दिस मस्ट स्टॉप एंड फेडरेशन शुड टेक अप द मैटर विद मीडिया, नॉट ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, दैट दिस वन साइडेड ओपिनियन that housing societies are unnecessarily being restrictive is totally incorrect, and there has to be a media campaign by the federation in this matter. Please tell your name and your address of the society. मेरा नाम गौतम इदनानी है, गौतम इदनानी, कोरेगांव पार्क मोहल्ला समिति, सुधार समिति। Thank you. Okay, thank you Gautam ji. I will request now Colonel Barve to give his opinion on this matter. Yeah, good morning everybody. Good morning. This particular case which has come up, the good thing it has come up, so we can at least project our problems. Housing society is run by managing committee. I don't understand why commissioners and collectors have to get into it, because they are elected body, they know what they are doing, they are following the government rules and regulations, and that is where they make the rules. Secretary checking medical certificate is absolutely correct. After all, if something goes wrong, everything will come bounce back on him, secretary or the chairman or other members. So why? What the hell you are doing here? Now one lady has just projected a problem that the members resigned. Please note that we are volunteers. I am also one of the chairman of this society. That is Tirupati campus, phase 5 in Vishandwadi. So this is a big problem. I wanted to speak to Patwardhan Saheb Tumchashi. Ki why can't we get rid of this kind of pressure on us? If we are wrong, then anybody can let anybody go to police or cooperative. We have no problem. But then we must exercise our powers. We are powerless now. Allow this, allow that. Your financial problem doesn't mean that you put pressure on the cooperative. Maids are coming from all sort of places which are congested. Please note, all maids, they stay in a congested area, and it can create a lot of problem in the society. Like my society, we are guarding it like anything. Nobody is having maid in the house. People are working on their own. Now if you force the issue, it can spread. My neighboring society has already got COVID patients. So I support Mr. Sunil and also Mr. Patrodhan Sahib. Thank you. Please take up these matters properly and they are doing a good job. I am very thankful to you. उधर एक सर्विसमैन के लिए कर रहे हैं मालूम है और धन्यवाद। आप पिंपरी चिंचवड की चेयरमैन तेजो सैनी मैडम नमस्ते, आप जरा शेयर कीजिए। नमस्कार सर, मला त्याच्या आधी एक दोन गोष्टी थोड़ा क्लियर करायच्या आहेत। म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये जे आलं ते चुकीचं आहे का, म्हणजे सर शिवतारे सरांच्या वरती केस फाईल झाली हे झालं आहे की नाही झालं आहे? केस फाईल झालेली आहे ना, म्हणजे केस फाईल झाली आहे। ओके, आता मला ह्याच्यात दोन तीन गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात। ओके, आई शिफ्ट टू हिंदी। आई दो तीन चीजें यहाँ बताना है कि पहले जब पहला लॉकडाउन आया था तब हमें सरकार ने बताया था कि सोसाइटी में जो हम जो डायरेक्टिव्स दे रहे हैं वो सारी सोसाइटीज ने फॉलो करने हैं, तो हमने वो अच्छे से अडैप्ट किए, हमने वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया। हमारी सोसाइटीज में कोविड के पेशेंट्स नहीं नजर आ रहे। उसके बाद चौथे लॉकडाउन में सरकार ने कहा कि अभी आप लोग अपने खुद के कोई भी रूल्स नहीं बोलोगे, हमने सब ओपन कर दिया है, सो इट इज ओपन फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर एंड एवरीवन। तो हमने वो भी इम्प्लीमेंट किया, हमने भी सब चालू कर दिया कि भाई चलो आओ जाओ जो भी करना है वो करो। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप लोगों की सारी एंट्रीज रजिस्टर में होनी चाहिए और जो भी दूसरे वार्ड से या दूसरी इवन लाइक पीएमसी से पीसीएमसी में भी कोई आता है तो आपको उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है, ई पास होना जरूरी है। ओके, तो हमने वो भी फॉलो किए। अब जब ये सब चीजें हम लोग उनके कहने पे फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को, क्यों इस तरह से हम पे रेस्ट्रिक्शंस लादे जा रहे हैं? और दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगी कि मान लो यदि गलती से हम लोगों से कुछ गलती हो भी जाती है, गलती इन द सेंस कि यदि हम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करके सारे डायरेक्टिव्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसको कहीं तो भी कट शॉर्ट करके या एक इंटरैक्टिव सेशन करके उसको खत्म करना चाहिए था। जैसे अभी मिस्टर शिवतारे बोले कि उनकी तो सुनी ही नहीं गई है, जो भी हुआ है वो उन्हें टारगेट करके किया गया है, दैट्स ऑल। मेरा इस पे एक और सवाल था कि क्यों सिर्फ शिवतारे सर को टारगेट किया गया? एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था तो पूरी कमेटी के अगेंस्ट होना चाहिए था, एक ही आदमी के अगेंस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? अभी ये केस नलिफाई करके इसको क्वॉश करना कितना डिफिकल्ट जाने वाला है। यदि उनको कहीं बाहर जाना है किसी काम से ऑफिशियल ट्रिप पे भी, तो ये जब तक केस उनके अगेंस्ट क्वॉश होता हुआ दिखेगा नहीं, वो कहीं काम की वजह से भी बाहर आउट ऑफ इंडिया जा नहीं पाएंगे। तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो एज ए कमेटी हमें को क्यों फेस करने हैं? ये एक चीज, ये एक इंसिडेंस अभी हाईलाइट काफी हो गया है। इसके पहले के मैं तीन इंसिडेंट्स आप लोगों की नोटिस में लाना चाहूंगी। बाकड़ की तीन सोसाइटीज को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, जहां पर उनके अगेंस्ट में भी एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्योंकि एक लॉजिकल रैशनल अंडरस्टैंडिंग पुलिस स्टेशन में जाके हमने और हमारे वाइस चेयरमैन ने जब किए तब जाके ये चीजें सॉर्ट आउट हुई। लेकिन यदि हमको उस वक्त यदि वो लोग हमारे मेंबर थे, लेकिन यदि वो हमारे मेंबर नहीं होते और हम तक कॉल नहीं आता तो शायद उनके अगेंस्ट में भी आज एफआईआर लॉन्च हो जाते। और वो सारे यंग कैडर है जो वॉलंटियर करना चाहता है। ऐसा हो रहा है कि इन सारी चीजों की वजह से कहीं तो भी एक सेटबैक आ रहा है और लोग बोल रहे हैं कि इससे तो बेटर है हम क्यों करें ये सब। इट इज एक्चुअली थैंकलेस जॉब दैट वी आर इंडल्जिंग इनटू एंड unnecessarily we are inviting troubles, so it's a question mark, should we really involved into this kind of social activities? Thank you sir and Mr. Shivatare, we stand with you unitedly. Thank you so much. धन्यवाद मैडम, हम लोग उसका जरूर रेड लेंगे। कर्नल दलवी साहब, दलवी साहब एक सोसाइटी के चेयरमैन है। Thank you very much. First of all I want to मैं ये कहना चाहता हूँ शिवतारे साहब को, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। वी आर ऑल विथ यू इंक्लूडिंग माई सोसाइटी इज विथ यू। वी हैव डिस्कस दिस मैटर और सारे के सारे आपके साथ हैं। ये इस क्राइसिस में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंस आपके साथ हुआ सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई कि हम ये फेडरेशन के साथ मिल करके सारे ग्रुप के मेंबर यहाँ पे हैं, ये काम कर सकते हैं कि सरकार से ये पूछे कि मैनेजमेंट कमेटी के अवकात क्या है। अगर आप मैनेजमेंट कमेटी को बॉन्डेड लेबर के माफिक इस्तेमाल करने वाले हो तो वाई पीपल शुड वर्क। और वो भी क्राइसिस चल रहा है अभी पिछले 3.5-4 महीने में, सभी लोग देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कंडीशंस आर डिफिकल्ट, लोग अंदर बंद रह के भी ट्रॉमेटिक होते जा रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग इट, हम लोगों से बातचीत करते हैं रेगुलरली, फिर भी लोग वन कैन अंडरस्टैंड, खुद को अगर हम अंदर बंद करके रखते तो ये हो जाता है। ये सब सरकार नहीं करती, कमिश्नर साहब हो या और कोई नहीं करता, ये करना पड़ता है। ये 8 लोग जो कमेटी के हैं उनको करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम इफ दे वांट फॉर सिली रीजंस, अगर ये चीज मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जानी थी, अगर पुलिस के वहां लोग आ जाते वहीं पे आमने सामने होके बात खत्म हो जानी थी। दे हैव मेक इट बिग हाउ आउट ऑफ दिस। तो मुझे लगता है मैं पटवर्धन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये अपॉर्चुनिटी लेकर के या इस पार या उस पार क्लियर कर दो ताकि लोग सोचेंगे हम ये अपना काम करते करते अपने सेहत में अपनी बीपी बढ़ाओ और ये भी काम कर लो, और ये काम करते करते ये भी जिम्मेवारी ले लो कि कभी भी कोई भी एफआईआर डाल सकता है। ये डर के माहौल में रहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो ये मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है अपने पटवर्धन साहब से पूरे ग्रुप के साथ से, अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर हम ले सकते हैं, पूछ सकते हैं दावे के साथ कि है क्या, या तो आप क्लैरिफाई कर लो कि मैनेजमेंट कमेटी भी नहीं है, सारा कुछ हम चलाएंगे, लेट देम रन इट। मैं तो कहता हूँ बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं, या बाकी जो लोग सुन रहे हैं बाकी मेंबर से वो भी खुश हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है हमें। तो मुझे ये पर्सनली लगता है, जब मैंने सुना बड़ा बुरा लगा ये सुतार साहब के बारे में, इतनी मेहनत करके अगर वो पूरा संभाल रहे हैं, सारी जगह पे यही हो रहा है, अकेले चौतारे के साहब का अभी वो सामने आ गया इसलिए, नहीं तो हर जगह पे लोग। तेजस्विनी जी भी बोल रही थी कि एवरीवेयर पीपल आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, अपना काम छोड़ करके घरदार छोड़ के यही कर रहे, कोशिश कर रहे। रिजल्ट ये है, जैसे हमारी सोसाइटी विमान नगर में है, अभी तक टचवुड एक भी कोविड-19 का केस नहीं हुआ, आप लोगों के भी होंगे। रीजन क्या है? बिकॉज द कमिटी एंड मेंबर्स टुगेदर ये सारे के सारे रूल जो देते हैं उसको फॉलो कर करके आगे जा रहे हैं। अगर वो नहीं चाहते ये हो तो ऊपर वाला मालिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी फ्रेंड्स। धन्यवाद कर्नल साहेब। आपल्याकडे म्हात्रे साहेब आहेत का? भास्कर, नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। हेलो, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी भास्कर म्हात्रे साहेब। मी भास्कर म्हात्रे बोलतोय, सेक्रेटरी नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। सबसे पहले जो महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, थाना डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन एंड सोसाइटी नाउ, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कोविड-19 ये इसमें दो जो प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है, उसको टैकल करना रियली इट इज अ जॉब ऑफ द all federations to come unitedly fight against the government, because एक जो प्रॉब्लम था डॉक्टर पार्कर साहब का मुंबई में था, उनका जो प्रॉब्लम था उसकी अगर लैंग्वेज आप देखते हैं तो उसने लिखा है कि ये जो जितने चेयरमैन सेक्रेटरी जो है उनको सब में जेल में भेजना चाहिए, वो अननेसेसरली सीट गर्म करते, कुछ काम नहीं करते हैं, उनको सबको जेल में भेजना चाहिए। उसने वीडियो है, ये सब वीडियो में सब जितने जो मीडिया है उसने दे दिया है। डॉक्टर साहब, अगर आप एक की प्रॉब्लम, वो जो सोसाइटी में थे उस सोसाइटी का प्रॉब्लम था कि बाद में जो पता चला कि वो डॉक्टर साहब का ही प्रॉब्लम था, वो सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो वहां रहते भी नहीं है 7-8 साल से। उसका डिटेल्स तो हमारे मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है वो बताएंगे, तो उसने जो वर्डिंग यूज किया है वो ऑब्जेक्शनेबल है। सपोज एक डॉक्टर कोई अगर मिस्टेक करता है तो हम बोल सकते हैं कि और जितने डॉक्टर्स हैं वो उसके लिए कारण है, वो सब रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग ऑल डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, जो पर्टिकुलर सोसाइटी है आप वो पर्टिकुलर सोसाइटी को ब्लेम करो, आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि ये जो कोविड-19 में कम से कम 1,10,000 सोसाइटी महाराष्ट्र में है एंड मैक्सिमम सोसाइटी में कोविड-19 सोसाइटी को इंटर करने के लिए दिया अब ये जो वायरस को, क्योंकि उस सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे उस पदाधिकारी ने जो कुछ स्ट्रिक्टनेस जो बताया, जो कुछ हेल्प किया वहां के मेंबर्स के लिए, उसके वजह से ये जो कोविड-19 को सोसाइटी के प्रीमाइसेस में आने के लिए इंटर ने दिया। बट आप अगर देखते होंगे कि जो पर्टिकुलरली जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो स्लम्स एरिया है, वहां पर देखते हैं कि वहां ज्यादा कोविड-19 का एकदम स्प्रेड बहुत जोर से हो रहा है। बट हमारे सोसाइटी जो मेंबर्स है, सोसाइटी जो सभासद है, सोसाइटी जो कमिटी मेंबर्स है, वो कुछ भी, उन लोगों को कुछ भी ऑनरियम नहीं मिलता है। वो खुद का काम संभाल के, घर संभाल के सोसाइटी के लिए सोशल वर्क करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो सोशल वर्क करता है। एंड सोशल वर्क करने के बाद अगर कोई आके FIR लॉन्च करता है और कोई भी बड़ा डॉक्टर होके स्टेटमेंट देता है कि सब जितने जो चेयरमैन सेक्रेटरी को उसको अरेस्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका सब लोग ने ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर की उसकी निंदा करनी चाहिए। हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है फेसबुक पे, नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, ठाणा हाउसिंग फेडरेशन एक मूवमेंट स्टार्ट किया है और डॉक्टर से अगेंस्ट लिखने के बारे में। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो जो लिंक हम आपको भेजा जाएगा, आप भी आपके कमेंट्स लिखो, क्योंकि अभी जो टाइम है हम जो सेल्फलेस सर्विस जो देते हैं और उस सर्विस को कोई, उस जो सर्विस है उसका कोई तारीफ तो नहीं करती है बट खाली गाली ही देता है एंड FIR लॉन्च करता है। कल ही हमारी महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन की मीटिंग हो गई। ऑल डायरेक्टर्स थे, पुणे के डायरेक्टर थे, ठाणा के डायरेक्टर थे, नवी मुंबई के थे, मुंबई के थे, सातारा थे, नासिक थे, जितने डायरेक्टर थे सब थे। सबने एक ही तय किया है कि पहली बात जो डॉक्टर पारकर है उसका जो हमने फेसबुक जो एक मूवमेंट चालू किया है उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको सबको अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप आपका कमेंट्स डालो कि डॉक्टर साहब को पता होना चाहिए कि ये हमारी जो सोसाइटी है, जो जहां वो रहते भी नहीं है, वो अकेले नहीं है। 1,10,000 सोसाइटी जो महाराष्ट्र में, वो सब इकट्ठा होके आपको जो कुछ सबक सिखाने का वो सिखाएंगे। शायद रीड पिटिशन भी फाइल की जाएगी उस डॉक्टर के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रोवोकेशन लैंग्वेज है, वो भी होना चाहिए। अभी बात आ गई कि पुणे की FIR की। अरे क्या है यार, उसने अगर सर्टिफिकेट, एक तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ने कल परसों के दिन एक कोऑपरेटिव कमिश्नर से एक सर्कुलर आया, सर्कुलर में ले गया एज पर मराठी त्यांनी असं लिहिलं जी गाईडलाईन्स आतापर्यंत सरकारने दिले त्याप्रमाणे। अरे कुठली गाईडलाईन्स दिए, कौन सा गाईडलाईन्स आपने दिया? वो सर्कुलर के साथ आप कुछ तो गाइडलाइंस तो दे दो कम से कम। तो हमारे जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो गाइडलाइंस फॉलो कर सकते। एक तो प्रॉपरली गाइडलाइन, पुणे में अलग गाइड, महाराष्ट्र में, मुंबई में अलग गाइड, नवी मुंबई तो गाइडलाइंस आती ही नहीं है। एक तो कुछ गाइडलाइंस दो। तो मेरे ख्याल से ये जो दो सोसाइटी है, पर्टिकुलरली मुंबई की एक है, पुणे के, आप अकेले नहीं है। हम सब, हमारा महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन आपके साथ है। एंड मैं आपको अनुरोध करता हूं कि शायद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग रिट पिटिशन भी फाइल करेंगे, पर्टिकुलरली मुंबई के बारे में, पुणे के भी हम लोग सोचेगा। बट हम सब आपको सपोर्ट करेंगे और शायद हम लोग गवर्नमेंट को बोलेंगे, नहीं तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी सब जितने चेयरमैन सेक्रेटरी। आज मैं नवी मुंबई में बताता हूँ, बहुत से चेयरमैन सेक्रेटरी रिजाइन देने की तैयारी में। अरे भाई ये क्यों करने का सब? ये सोशल वर्क करो, देन गाली खाओ, ऊपर से इनका FIR, ये लोग FIR लॉन्च करता है। ये चलता है क्या ऐसा कभी? इसलिए मैं सब सोसाइटी को बोलता है, हम यूनाइटेडली फाइट करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, ऑल फेडरेशन एंड महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग आपके साथ है एंड आप अकेले नहीं है। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आप अकेले ना, हम आपके साथ है। मुझे जो आपने बोलने की जो अनुमति दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद मात्रे साहब। हमारे साथ प्रकाश दरेकर जी जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है, वो भी साथ जुड़े हुए। एडवोकेट दत्तात्रेय वडेकर भी साथ में जुड़े हुए, वो उनके सेक्रेटरी है। तो मैं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ को हमें गाइड करें। नमस्कार। पुण्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित आजच्या या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या परिसंवादामध्ये उपस्थित सर्व गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। काही दिवसापूर्वी मुंबईमध्ये डॉक्टर जलील पारकर यांच्या वक्तव्यामुळे जो गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला, त्याचबरोबर पुण्यातील हाऊसिंग गृहनिर्माण सहकारी संस्थेवर शिवतरे सेक्रेटरीवर जो गुन्हा दाखल केला त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या आपण ह्या परिसंवादात बोलतोय। काली आम्ही राज्याच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून परिसंवाद आयोजित केला होता। त्यामध्ये राणे साहेब होते, पटवर्धन साहेब होते, मुंबईचे, ठाण्याचे, पुण्याचे संचालक मंडळ होते। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातूनही अशा प्रकारचा परिसंवाद आयोजित केला होता। परंतु डॉक्टर जलील पारकर यांनी सोसायटीना माज आलाय, सेक्रेटरी चेअरमनला जेलमध्ये टाका असे वेदनादायक म्हटल्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर जो प्रसंग ओढवला, किंबहुना कालच्या पुण्यातील आपले हाऊसिंग फेडरेशनचे सेक्रेटरी शिवतरे यांच्यावर भाडेकरूंना सोसायटीमध्ये प्रवेश नाकारल्यामुळे गुन्हा दाखल झालाय। आणि खरं तर 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये COVID-19 कोरोना पार्श्वभूमीवर आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी केलेलं काम उल्लेखनीय आहे। ज्याप्रमाणे डॉक्टर्स असतील, परिचारिका असतील, शासकीय कर्मचारी असतील, महापालिका कर्मचारी असतील, यांनी योद्धा म्हणून काम केलं, त्याच भावनेतून खारीचा वाटा म्हणून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काम केलं हे नाकारता येणार नाही। म्हणून मुंबईसह पुणे, ठाणे या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत आणि या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये काम करणारे पदाधिकारी हे काही कुठल्या प्रकारचं मानधन घेत नाहीत, मानधन न घेता सेवाभावी वृत्तीने काम करत असतात। आणि अशा मानधन न घेता सेवाभावी वृत्तीने काम करत असताना अशा प्रकारचं शासनाचा आणि इतरांचं जर प्रेशर आला तर पुन्हा कोण काम करण्यासाठी पुढे येणार नाही, अशा प्रकारची एक भावना निर्माण झालेली आहे। आणि या माध्यमातून पुण्याचा विषय असेल, मुंबईचा विषय असेल, हे सगळे विषय आपण महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार मंत्र्यांकडे मांडू, गृहमंत्र्यांकडे मांडू। त्या माध्यमातून जर आपल्याला न्याय भेटला नाही तर कोर्टाचेही दार आपण ठोठावू आणि आपल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपण सर्व पुढे येऊ, अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। जलील पारकरांनी जे उल्लेख केला, ती सोसायटी मॉर्निंग स्टार हे आमच्या मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनची नोंदणीकृत सदस्य आहे आणि आपली सदस्य असल्यामुळे त्या संस्थेला पदाधिकाऱ्यांना भेडसावणारे प्रश्न हे आपले प्रश्न समजून आपण सोडवण्यासाठी पुढे आलं गेलं पाहिजे। पटवर्धन साहेब आहेत, सीताराम राणे आहेत, आमचे ॲडव्होकेट वडेर आहेत, ज्येष्ठ आमचे संचालक वसंतराव शिंदे आहेत, या सर्व मान्यवरांचं आणि सहकारातील काम करणाऱ्या मान्यवरांचे आपण मार्गदर्शन घेऊ आणि काही आपल्या परीनं आपण शासन दरबारी, सहकार आयुक्त असतील, सहकार मंत्री असतील, गृहनिर्माण मंत्री असतील, यांच्याकडे आपण आपला हा निवेदनाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवूया आणि भविष्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अशा प्रकारचे ज्यावेळी प्रसंग ओढावतील त्यावेळी सर्व महाराष्ट्रातल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन काम करण्याची व्यूहरचना करूया आणि जे जे प्रश्न भेडसावत आहेत ते आपण एकामेकांना शेअर करून त्यावर शासन दरबारी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू। कारण शेवटी म्हातारी मेली चालेल पण काळ सोकावता कामा नाही। आज जलील पारकर बोलले, उद्या अजून कोण बोलेल, अशा प्रकारचं धजावणं आपल्याला गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना काम करताना योग्य वाटणार नाही। त्यामुळे भविष्यामध्ये आपण आपल्या ऑफिस बेअरच्या आणि आपल्याच गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आपण नक्कीच आपण शासन दरबारीने ह्या प्रकारे न्याय मागण्यासाठी पाठपुरावा करू आणि अशा काही आपल्या ह्या माध्यमातून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना आल्या त्याचाही विचार करून आपण पाठपुरावा करूया। आणि ज्या ज्या वेळी अशा प्रकारचा एखादा प्रसंग कुठेही घडेल त्यावेळी आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून एकत्र येऊन त्यावर आवाज उठवूया, अशा प्रकारची मी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद प्रकाशजी, आपल्याला खात्री आहे की आपण नक्की याच्यावर न्याय मागवू आणि याच्यावर कुठली स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतली जाणार नाही अशी आपण शासनाकडे योग्य ठिकाणी न्याय मागवू, कलेक्टरकडे जाऊ, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सगळ्यांकडे दाद मागू आणि मला खात्री आहे की आपल्याला नक्कीच न्याय देतील। धन्यवाद। आता अजून तुम्हाला दोन तीन प्रश्न असेल तर विचारा. उसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ की याविषयी बोलायचं असेल तर. हा, त्याच्या आधी पटोळन साहेब, मला वाटतं काही काही प्रश्न जे होते राणे साहेब मीटिंगच्या सुरुवातीला बोलताना त्यांना काही कारणांमुळे बोलता आलं नाही, त्यांच्या टेक्निकल इश्यूमुळे. तर राणे साहेबांचे विचार या बाबतीत, राणे साहब मैं आपको विनती करता हूं कि आप 5 मिनट के लिए आपके व्यू पॉइंट्स और शिवतरे साहब को और बाकी जो कमिटी मेंबर्स है अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज के, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि जिस वजह से वो वही जोर शोर से या जोश में अपने कमिटी का काम करते रहेंगे, इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करिएगा. नमस्कार. विषय बरेच विषय चांगले चर्चे झाले, पण याच्यातून आपण निर्णय काय घ्यायचा आहे ते आपल्याला ठरवायचं आहे. सगळ्या सोसायटीच्या ज्या आता मीटिंग मध्ये सहभागी झालेत त्या सगळ्यांच्या विचाराने याविषयी आपण काय निर्णय घ्यायचा ते आपल्याला ठरवायचं आहे. पटवर्धन साहेब, हिंदीत बोलायची मी आपल्याला विनंती करतो, बऱ्याचशा लोकांना. पटवर्धन साहेब बोला बोला. या आता ही जी चर्चा झाली, ये जो बात अपना सब चर्चा हो गया, उसके बारे में सोसाइटी की तरफ से क्या एक्शन लेना है ये हमें तय करना है. नहीं, एक तो वो चीजें है कि सोसाइटी की तरफ से हम लोग पूरे जो रोहन जिले कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके साथ हम लोग रहेंगे, उनको पूरा सपोर्ट देंगे. बहुत सारे मेंबर ने हमारे पास भेजा है कि काम काय के लिए करने का थैंकलेस जॉब हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि रेसिग्नेशन से मार्ग नहीं होता है. बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्सप्रेस किया था, लेकिन मेरी आपको सबको विनती कि हम लोग पहले अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंटेशन देंगे. जैसे बहुत सारे स्पीकर ने बताया कि हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे. ये जो मुंबई की केस हुए और पुणे की केस हुए, तो एज अ महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन पुणे हाउसिंग फेडरेशन सब रिप्रेजेंटेटिव, और वो उनको ये केस विड्रॉ करने का प्रेशर करेंगे कि, और वो उसका जो मुंबई का है उसके लिए हम लोग अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, ठीक है, ये बात सही है. मेरा ऐसा कहना था, मेरा बोलने का मतलब ये था कि हम लोग अगर कुछ करेंगे नहीं तो अभी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए मैं पटवर्धन साहब को अभी एक लेटर भेजा हूँ, व्हाट्सअप किया हूँ. थाना में एक वृत्तपत्र विक्रेता का एसोसिएशन है, उन्होंने कल पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया है कि कुछ सोसाइटी का नाम उसने लिख के दिया है. सोसाइटी के ऑफिस बेरर पर एक्शन ले लो, 188 के अंदर इनके ऊपर केस का प्रोसेस शुरू करो. इसकी वजह यह है, उन्होंने बताया है कि सोसाइटी में हमें अलाउ नहीं कर रहा है. अभी मुझे ये लगता है कि हर बारे में अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ये 4-5 दिन में 6-7 सर्कुलर निकाला है, लेकिन हम लोगों ने स्टेट फेडरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हो, सब फेडरेशन ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि ये अनलॉक करने के बाद, जो लॉकडाउन शिथिल करने के बाद कुछ गाइडलाइन सोसाइटी के लिए डिक्लेयर करो. गवर्नमेंट ने आज तक किया नहीं. ये जो हमारे जो ऑफिस बेरर है वो हर कंफ्यूज इसलिए है कि हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना अपना एसओपी डिक्लेयर किया है, और हर एसओपी थाना का पुणे वाला देखता है, पुणे का थाना वाला देखता है, बॉम्बे वाला देखता है, सब देखता है. इसमें सब में कंफ्यूज है, हमें करना है तो क्या करना है. इसके लिए हमने गवर्नमेंट को अर्जी किया था, कि एप्लीकेशन किया था कि इसका टोटल गाइडलाइन गवर्नमेंट के थ्रू सबके लिए सरीका आने दे. एक बॉम्बे के वकील ने कोर्ट में भी इसके लिए PIL दर्ज किया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि हमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कारोबार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है, और हम लोग करेंगे नहीं. जो सोसाइटी का जो कारोबार है, सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से सोसाइटी करेगी, उसका जो रूल है वो सोसाइटी बनाएगी, और उसके हिसाब से वो कामकाज करेगी. COVID-19 के बारे में ऐसा गवर्नमेंट में हाईकोर्ट में भी बताया. लेकिन अब हमें देखने के लिए जाएंगे तो पुणे में जो शिवतरे के बारे में हो गया वो बहुत गलत हो गया. हमारी जैसा पटवर्धन साहब और गर्ग साहब उनके पास सोसाइटी में जाके उनको मिल के आए. मैंने भी कल उनसे फोन पर बात की. जो सिचुएशन है वो अलग है, और दूसरी ये बात इम्पोर्टेंट ये है कि कोऑपरेटिव डेप्यूटी या डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो कंप्लेंट फाइल की है वो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई है उसके हिसाब से कंप्लेनेंट ने उसके पास बाद में कंप्लेंट की है, लेकिन न्यूज आई है उसके हिसाब से उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है. और उनको शिवतरे जी को अपना जो उनका कुछ कहना था, उनको क्या उनका स्टेटमेंट लिया नहीं, उनके बारे में पूछा भी नहीं. इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे सब सोसाइटी को अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। हम लोग काम करेंगे तो भी तकलीफ है, नहीं करेंगे तो भी तकलीफ है। अभी गवर्नमेंट ने कल या 29 तारीख को कल ही सर्कुलर निकाला है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने, किसी मेड सर्वेंट को रुकाना नहीं है, किसी को भी रुकाना नहीं है, सबको अलाउ करना है। तो इसका मतलब यह है अभी सब काम ये करना है, सबको अलाउ करना है। तो कोविड-19 के बारे में सोसाइटी ने अपना गाइडलाइंस एसओपी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि जो चलता है वैसा चलने दो। जैसा वो लेडी ने पुणे के, वो पता है मुझे नाम उनका ध्यान में नहीं, उन्होंने जो बताया, हर सोसाइटी में अभी ये बात चालू है, हर सोसाइटी में चर्चा चालू है। सोसाइटी वाले कमिटी मेंबर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी एक आदमी अपोज करने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर दाखिल होता है। कमिटी का कोई भी जाएगा तो अकेले आदमी के ऊपर अगर क्रिमिनल एफआईआर दाखिल होगा, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग एज ए फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हो, हर फेडरेशन अपनी तरफ से इसके लिए अपोज करेगा और अपना गवर्नमेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं अभी डिमांड करेंगे कि ये जो चीजें है, एक तो पहली बात शिवतरे के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया है वो गवर्नमेंट को पीछे लेना चाहिए और फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा एफआईआर किसी के, कौन से भी कमिटी मेंबर के लिए होना नहीं चाहिए। इसने गवर्नमेंट ने इसका ये लेना चाहिए। और ये हम गवर्नमेंट को, अभी कल हमारी फेडरेशन की जो बात हुई, मीटिंग हो गई, हम लोग सोच रहे हैं अगले 1-2 दिन में इसके बारे में मिनिस्टर साहब और सब कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, इनको सबको मिलके हम लोग अपना ये लेटर जो है उनको, जो ये सब चीजें जो बातें हैं उनके काम पर डालेंगे, उनसे राय लेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी चीजें हाउसिंग सोसाइटी के बारे में होनी नहीं चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। दूसरी बात है, डॉक्टर जलील पारकर ने जो स्टेटमेंट किए उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कोर्ट में एक फाइल दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे और उसके बारे में जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। जो मात्रे साहब ने बताया, अपना दरेकर साहब ने जो बताया, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था उस टाइम, सुन नहीं पाया। तो ये जो वो एक्चुअली 5-6 साल वो सोसाइटी में रहते भी नहीं है। 2 फ्लैट है, तो 1 फ्लैट उन्होंने किसी रिलेटिव को दिया है, दूसरा फ्लैट उनके भाई का है, वो बेचने का था और उसमें रियल एस्टेट एजेंट को अंदर अलाउ नहीं किया, इसलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट है और उन्होंने स्टेटमेंट दिए बहुत गलत स्टेटमेंट है। आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा। मराठी में उन्होंने ये कहा है, सब कमिटी के मेंबर यानी चेयरमैन सेक्रेटरीला माज आलाय त्यांना जेलमध्ये टाका। हे जे त्यांचं, ये जो उनका स्टेटमेंट है वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत हर्ट करने वाला है और हमने तुरंत इसके बारे में अपना जो है उसमें कंप्लेंट की है। और हाउसिंग फेडरेशन, बॉम्बे फेडरेशन, मुंबई फेडरेशन हो, थाना फेडरेशन हो या स्टेट फेडरेशन हो, इनकी तरफ से हम लोग इनकी कोर्ट में दायर करेंगे। हो सके तो इनके अपोज में एफआईआर दाखिल करने की हम लोग सोच रहे हैं, सब फेडरेशन मिलके। मैं स्टेट फेडरेशन का चेयरमैन के नाते सब सोसाइटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये जो माहौल है अभी दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, क्योंकि ये सिचुएशन में जो 1-2% कंप्लेन करने वाले जो हमारे सोसाइटी में लोग हैं, वो लोग इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। ये पिछली टाइप का जो सोसाइटी के इंटरनल जो उनके सोसाइटी में जो है उनका, ये इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे कंप्लेन करके। हमें सब सोसाइटी कमिटी मेंबर्स को या सब सोसाइटी मेंबर्स को इससे बचना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। इस चीज के लिए आप कोई भी हाइपर ना हो, टेंशन ना हो। जैसा पटवर्धन साहब ने बताया, हम सबको, हम सोच रहे थे पहला कि हमने कल ये तय किया था कि ऐसा सोचेंगे कि हम लोग पूरा महाराष्ट्र का 1,10,000 सोसाइटी के कमिटी मेंबर रिजाइन देने की सोचेंगे। गवर्नमेंट ने शिवतरे का, जो शिवतरे के ऊपर एफआईआर दाखिल किया है वो अगर पीछे नहीं लेंगे तो हम लोग सब सोसाइटी वाले कमिटी मेंबर रिजाइन देंगे, ऐसा। लेकिन जैसा अभी चर्चा हो गया, बात हो गया, वो बात हम लोग अभी नहीं सोच रहे। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट ने अपना रवैया बदली नहीं किया। ऐसा ही हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस बेरर के बारे में गवर्नमेंट का ऐसा ही रवैया रहा, तो फ्यूचर में ये बात भी हमें सबको करनी होगी, इसके बारे में सोचना होगा। अगर ये दूसरी एक बात है, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कलेक्टर हो, कोई भी अथॉरिटी ने कौन से भी डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को इस बात के लिए चर्चा करने के लिए भाई क्या करना है कैसा करना है इसके लिए बुलाया नहीं, कोई इसके सर्कुलर के बारे में बातचीत की नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को आज ये लगा तो ऐसा निकाला, कल दूसरा लगा तो दूसरा सर्कुलर निकाला, परसों कुछ गलत अलग सोचा तो अलग, ऐसी स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये कि हमारे हर गवर्नमेंट अथॉरिटी ये बोल रही है कि हर सोसाइटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाया है जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लॉकडाउन शिथिल होने के बाद कम करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन इश्यू किया नहीं है। लेकिन हर अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कलेक्टर हो, इन्होंने हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलग अलग गाइडलाइन दिए है, अलग अलग गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसके गाइडलाइन निकले नहीं। लेकिन सब गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कलेक्टर हो मिनिस्टर साहब हो ये सब लोग ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से काम करो। लेकिन जून में 3, 5 और 8 जून को जो शिथिल किया उसके बारे में उसके बाद में एक भी कौन सा भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दिया नहीं। अभी हम लोग जैसा डिसीजन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, गवर्नमेंट को लेटर दे देंगे। हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है अपने डिस्ट्रिक्ट के, जैसा पुणे है पटवर्धन साहब पुणे में कलेक्टर जिन्होंने ये सर्कुलर निकाला है या जिन्होंने कार्रवाई की उसके बारे में देंगे। लेकिन पटवर्धन साहब आपको इसके बारे में ये काम ज्यादा करना है, जिस पुलिस स्टेशन में इसके बारे में एफआईआर दाखिल किया है उस पुलिस स्टेशन को आप लेटर दे दो और आपके साथ पुणे में जितने फेडरेशन है गर्ग साहब ये और सब लोग, और हो सके तो 2-4 सोसाइटी मेंबर को साथ में ले लो और इसके अगेंस्ट में आप लेटर दे दो, ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात उसकी कॉपी जो अपना डिप्टी रजिस्ट्रार ने एफआईआर दाखिल किया है उसको भी इसके बारे में आप इतला कीजिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, थैंक यू राणे साहब। पटवर्धन साहब माला बरेच साहब, मैं एक मिनट राणे साहब अभी लाइन पे हैं। तो राणे साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नोटिस निकालता है, महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट नोटिस निकाल रहे हैं जिसके अंदर की कोऑपरेटिव अलग से निकालता है, पुलिस अलग से निकाल रहा है, कलेक्टर अलग से निकाल रहा है। तो इन सब की बजाय हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये बोलें कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उन सब की समरी बना करके वो हमें एक सिंगल सर्कुलर दें हमें, क्योंकि पहली बात तो ये सोसाइटी तक सर्कुलर पहुंचते नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म आज नहीं है। सभी सर्कुलर जो है या तो किसी सोशल मीडिया से या कहीं तो कहीं से लिंक से मिलते हैं। तो पहला तो ये कम्युनिकेशन जो चैनल है वो सेट करना बहुत जरूरी है, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट and the mechanism to reach the communication to each society. That is point number 1. Point number 2 कि कुछ सोसाइटी ने जहाँ पर ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिए हैं या देने वाले हैं, आपने सबको बोला कि रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, परंतु मेरा यह कि अगर किसी कारणवश किसी सोसाइटी ने रेजिग्नेशन दिया है तो वो नॉर्मल रेजिग्नेशन बोल करके ना दें, उसको एज ए प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन उसमें सब्जेक्ट लिखें रीजन 1, 2, 3, ओके, जनरल रीजन नहीं लिखना चाहिए, सो दैट उनकी सुनवाई अलग से होगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय। तीसरा, जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला पुणे में बहुत सारी सोसाइटी को ऑडिट के इमीडिएट नोटिस आ गए, तो जब सारे चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर सरकार के साथ मिलकर के इसमें काम कर रहे थे, उनको इमीडिएट जो है अनलॉकडाउन 1 के बाद में नोटिस दिया गया, तो ये भी एक थ्रेटनिंग का एटमोस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। चौथा मेरा पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है कि जहां पर किसी कारणवश किसी भी मैनेजमेंट कमेटी ने अगर वहां पर रिजाइन दे दिया है और वहां पर जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट ना करके एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, तो वहां फेडरेशन की तरफ से ये एक नया रूल बनाना चाहिए कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाएगा उसके ऊपर एक 3 मेंबर कमेटी वो सोसाइटी की तरफ से वॉच करने के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यू आते हैं और वो आकर के वापस भी नहीं जाते हैं। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर भी हमारी एक अलग से कमेटी होनी चाहिए जो उसके कामकाज का निरीक्षण करेगी। ये प्रावधान आज नहीं है, आज सिंपल है कि या तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी या एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। जहां पर 3 मेंबर कमेटी है वहां ये क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन वहां पर है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया और वो अपने मनमानी से सारा काम करता रहता है। तो उसके ऊपर भी उसकी स्क्रूटनी के लिए भी एक 3 मेंबर कमेटी सोसाइटी की तरफ से बनाने के लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए। ये मेरा बात है। थैंक यू। थैंक यू गर्ग साहब। मेरी सब स्पीकर्स को और पार्टिसिपेंट्स को यह बताना चाहता हूं कि अपने पास टाइम की कमी है, तो हम लोगों ने 15 मिनट के लिए और टाइम बढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि गर्ग साहब ने जो सवाल मैं पूछना चाहता, जो हमको सूचनाएं आ रही थी कि सभी आप स्पीकर्स को कि एग्जैक्ट गाइडलाइंस एमसीएम ने क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एक कोई डरे हुए है या समझ में नहीं आ रहा है जो उन्होंने पॉइंट मान दिया। और बहुत देर से सत्यम सिंह साहब जो ऐश्वर्यम वाकड़ सोसाइटी से है चेयरमैन, वो कुछ अपने साथ बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। सत्यम सिंह जी, आप अनम्यूट करके अपनी राय या पूछ सकते हैं हमारे एमिनेंट स्पीकर्स को। नमस्कार, ऍडव्होकेट वडेर साहेब मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनचे सेक्रेटरी आणि गेले अनेक वर्ष सहकारात काम करत आहेत, आपलं स्वागत आहे। प्लीज। हाँ, देखिए मैं पटोले साहब को बहुत खुशी है कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाया है, राणे साहब भी इस मीटिंग में है, हमारे चेयरमैन साहब दरेकर साहब भी है। सो ये जो सिचुएशन है, इट इज वेरी मिजरेबल सिचुएशन एंड इन दिस सिचुएशन आई हैव टू से वंस अगेन हियर most of the office bearers of the societies are performing their duties over and night. Extraordinarily they are working. Even there is no any rules regulation from the state government or no any rules regulation from the commissioner of office. Only this is the only situation whereby I have to congratulate most of the our office bearers without any rules regulation. They have framed themselves their rules and regulations and they are performing their duties excellently, very diligently. Even I can say in Bombay about 40,000 societies are there, and this is our proud that the what performing what duties of the federations, Pune Federation, Thane Federation, or Mumbai federations performing the duties, and because of that, this it is very bad situation that to 1 or 2 days back one matter has been happened in the Pune, whereby one secretary Shivtare has been lodged some complaints, police complaint. One thing, the matter is that act is of 123 years back, and now that act has been taken into consideration without any intimation, without any inquiry, or without taking anybody's witness signatures from other members or other committee members. So this is one-sided action has been taken by the authorities. This is one of the thing. Other thing happened in Bombay. Most of the people have heard that one of the member, he is a doctor, renowned doctor in Bombay. He has worked in COVID-19 in various hospitals. But when he was in the hospital, that time he is having his flat at Morning Star at Bandra West. He intend to give it for on live license basis, or he want to sell it his flat. Since 4 years back, he was not staying there. He was staying in nearby societies. But when he was in the bed, when he was taking treatment of the COVID-19, he was instructing, he was discussing with the office bearers and asking and forcing them that the agent and the persons are to be allowed to get inside. I have to say that the office bearers of that Morning Star societies have, without framing any rules, but with the intention to help that fellow, he is a doctor, so they have allowed them inside the society. In spite of that, prior to that, they have pressurized from the police station and all these things, some other political leaders. This is a very bad situation. One person, for his own personal interest, has taken law in his hand, and he has very influenced persons. In that way, if the peoples are coming forward and they are filing, they are blaming to the office bearers of the societies by anyhow. It is very bad and it is very block to the housing federation and to the office bearers of the societies. Those who are working really diligently and promptly. One thing. Other thing is that today there is no rules, regulations, guidelines from the state government. I have to appreciate the collector. BMC has taken out some guidelines for their functioning peripheria in their scenario. There is no any guidelines from the cooperative department or commission of cooperation or somebody else. Also, in this regard, we have made correspondence to the commissioner, to the secretary, and the minister of the state cooperative, but nothing has been taken place. And in spite of that, and they have appreciated the language, appreciated the statement made by the doctor, And on that basis, they have taken the view that the office bearers are to be taken, are to be fined, or the action is to be taken against the office bearers. If this situation goes on without any inquiry, without any laws have been framed, any rules have been framed, then how the office bearers are going to be function in the society? It is one question. If there is no inquiry, and at all 2-3 months, the office bearers are working as their own by framing their own rules, regulations, from where they maid servants are coming, from where the drivers are coming, or whatever it may be. But in spite of that working, we are in two clauses. One is no rules, even though we are working very fluently, very disciplinedly. On the contrary, they have to appreciate that housing societies, office bearers are working very nicely, diligently. But without looking and without making any inquiries, they are appreciating the complaints, and that is a blot, and that is very ashamed to us. In this regard, in this scenario, we have to take action that until and unless the rules have been framed by the corporate departments, no further actions are to be taken from anybody else. Even that law is 123 years back. It is 1897's Act. Nobody is knowing till today. But today that act has been implemented, and some office bearers from Pune have been taken into custody, and the police complaint has been made against him. So unless and until rules are framed, no action is to be initiated on that act. This is one thing. Immediately the corporate department should make their own guidelines, looking to the based on the guidelines issued by the collector or issued by the ISMR or medical officer of the corporation. So these are our contentions. My chairman also told that this is a very bad situation whereby we are not able to work under this situation. So we have to report to the government. We have to meet to the government authorities and ask them to do something. Otherwise, it is very impossible to work in this field. This is my contentions. Yeah. And I'm very much thankful to the Suhas Patwardhan, Rane Sahib, my chairman also. Thank you very much. Yeah. Thank you, Mr. Vadir. Patwardhan Sahib, I would like to take last two questions from our participants, and then we will conclude it. Take it, please. So I'm requesting Mr. Deepak Kulkarni. Yeah, so please. I just wanted to tell Federation that whatever stand you are taking to support Mr. Shivtare, we are all with you on that, since you have verified all angles on that front. At the same time, we also would like to request Federation that the negative publicity which media has done against the society office bearers, so can we do something on that? And our side of the story, can we also try to publicize through Times of India or such publications? That is what I think we should look at it. Third thing is regarding that case of Rohan Nilay, I think Mr. Shivtare was mentioning that the person has given us sort of a wrong document, or it was a suspicious document. So as a deterrent, is it possible that we also take some action on that if the document is really found forged, so that it will also be a deterrent to such people who try to forge document and also bring office bearers into trouble? Thank you very much. Thank you. We'll investigate into the matter, and then appropriate action will be taken. And we'll certainly go with the press. First, we'll write to government, because government has filed a FIR on the news from press. So, पहले वो rectify करेंगे, बाद में press को. धन्यवाद. और कोई निकाल. Yeah, Mr. Satyam Singh जी, आप please बोलिए. नमस्कार सर. पहले सोसाइटी नाउ का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज पूरे महाराष्ट्र के सारे फेडरेशन और सोसाइटियों को, सारे सोसाइटी बेरर को एक जगह इकट्ठा किया है. सबसे पहले हमारी सोसाइटी सुनील जी को सपोर्ट कर रही है, और कुछ पॉइंट हैं जिससे पूछा, कल हमने डीडीआर से भी पूछा था, कोई जवाब आया नहीं है. एक तो जो गर्ग सर ने पहला सवाल उठाया था कि ऑडिटर के इसके लिए कि बहुत सारी सोसाइटियों को लॉकडाउन के बाद ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है, और 3 महीने सारा चीज बंद रहा, गवर्नमेंट ऑफिस भी बंद रही, फिर भी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है सारे सोसाइटी को. उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया है. दूसरा है कि जो हम पूरे महाराष्ट्र में 1,10,000 सोसाइटी हैं, तो हमारे पास क्या पावर है कि ये जो केंद्र सरकार एक गाइडलाइन बनाती है उसको नीचे आते आते तक 10 दिन लग जाता है गाइड बनाने में। आप लोगों को पता होगा अभी पीसीएमसी कमिश्नर ने जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया था कि एक कोई तो कोरोना पॉजिटिव नगर सेवक या कोई पाए गए थे, तो उनके पास पावर है अपना ऑफिस बंद कर देने का, जब मन करे चालू कर देने का। लेकिन सोसाइटी बेरर के पास ये भी चुन के आए हैं, सोसाइटी में वोट होता है, हर पूरे इंडिया में सब जगह वोटिंग चुनाव से ही सब लोग आते हैं, यहाँ भी चुनाव करके ही 11 लोग चुने गए हैं। अगर अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, इस पे कोई अच्छा बात नहीं ना कोई मीडिया लिख रहा है ना, जो भी एक निगेटिव न्यूज आ रही है या तो दंडित किया जाएगा, कलेक्टर की तरफ से एक लेटर आता है या डीडीआर एक केस फाइल करता है और उसको पूरे सोशल मीडिया हर जगह वायरल किया जाता है। मतलब एक तरह का धमकाया जाता है कि आप करो मत नहीं तो आपको भी पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सारे फेडरेशन मिलके क्या कर सकते हैं, हम काउंटर फाइल केस कर सकते हैं क्या? ऐसे जो अधिकारी जो बोल रहे हैं कि जैसे अभी मुंबई में जो डॉक्टर को बोल रहे हैं कि चेयरमैन और सेक्रेटरी दादागिरी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे अधिकारी दादागिरी नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर? तो हम काउंटर फाइल कर सकते हैं। हम सारे फेडरेशन या सारी सोसाइटी के क्या अधिकार हैं राणे सर बता सकते हैं, पटवाधर सर बता सकते हैं, कुछ एडवोकेट लोग मिलके काउंटर फाइल या हमारे लिए क्या नियम है, क्योंकि गाइडलाइन केंद्र सरकार 1 तारीख को बनाती है और हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू 12 तारीख को पहुंचता है दूसरा एक लोकल गाइडलाइन। और अभी जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ है चौथा, उसके बाद कोई गाइडलाइंस आया नहीं है। तो सरकार चाह रही है कि चुटकी बजाते हो जो गाइडलाइंस दे रहे हैं चुटकी बजाते लागू हो जाए, और चुटकी बजाते ही पूरा लॉकडाउन जो उन्होंने गाइडलाइन किया कि अनलॉक कर दो हम लोग कर दो, मतलब उनके हम नौकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि बस वो चुटकी बजाए तो हम लोग करते रहे। अगर हमसे किसी से अगर गलती हो जाती है तो उसका सोल्यूशन था कि मिलके बात करके सोल्यूशन निकाल लें। एक मीडिया न्यूज पे एफआईआर दायर कर दिया जाता है, तो इसके लिए हम सब क्या कर रहे हैं? ठीक है सिंह साहब, हम लोग उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पहला लेटर लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ ज्यादा एक्शन न हो हर शर्त से न हो, उसके लिए एप्रोप्रिएट जो कुछ मेजर है उसको ले लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।